फैशन के इस दौर में युवाओं को टैटू आकर्षित करते हैं और कई लोग टैटू बनाने के शौकीन भी होते हैं। आजकल फिल्मों में अभिनय करने वाले कलाकार, खिलाड़ियों में टैटू बनाने का क्रेज है। यही वजह है कि उनको देख लोगों में भी टैटू बनाने का क्रेज प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है, टैटू बनवाने में की गई लापरवाही आपकी स्किन को खराब कर सकती है और आपको स्किन इन्फेक्शन जैसी बीमारियां हो सकती है। घबराइए नहीं, आज हम आपको टैटू बनाते समय स्किन को बचाने के उपायों को बताने जा रहे हैं। उत्तराखंड के नैनीताल के मल्लीताल स्थित क्रॉस रोड टैटू स्टूडियो के मालिक पूरब शाह ने लोकल 18 से खास बातचीत के दौरान बताया कि टैटू में डिफरेंट मशीन यूज होती है, रोटरी मशीन है, कॉइल मशीन है, और सावधानी ये रखनी है आपको कि जो भी आप यूज करें, नीडल्स, टिप्स, इंक कप्स, सब डिस्पोजेबल होना चाहिए। उन्हें यूज इन करना है और राइट अवे थ्रो करना है, क्योंकि अगर वो रीयूज करते हैं तो उससे फिर ब्लड में इन्फेक्शन, वायरस के चांसेस होते हैं, वो प्रॉब्लम कर सकता है आपको फर्दर। एकदम इंस्टेंट नहीं करता है, विद इन 5 ईयर्स के टाइम पे करता है। स्किन में आपके वो हो सकते हैं, एलर्जीज हो सकती है, स्किन डिजीजेज हो सकती हैं, अगर आप प्रिकॉशन सही से नहीं लें तो। लाइक राइट अवे आपने वॉश कर दिया, सनलाइट को डायरेक्ट दिखा दिया, टैटू आप अभी बना के गए और आपने वर्कआउट कर दिया, जैसे चीज़ें कर ली जिससे आप मसल मेमोरी मूव करी, तो उससे आपके इन्फेक्शन होने का चांसेस होता है। जैसे देखिए, प्रोफेशनल लिंक्स आती है, आप कोई भी टैटू बनाने से पहले थोड़ा रिसर्च कीजिए कि टैटू आर्टिस्ट किस टाइप की इंक्स यूज़ करते हैं। मोस्टली इंडस्ट्री में इंटेंस, डायनामिक, सुपर ब्लैक ये यूज होती है। इसके अलावा अगर आपको कोई एडिशनल न्यू इंक अगर दिखे अपने आर्टिस्ट के पास, तो उससे पहले रिसर्च कीजिए कि वो इंक प्रोफेशनली एज टैटूइंग यूज होती है कि नहीं होती है। मार्केट में बहुत सारी इंक्स हैं जो टैटूइंग के लिए के अलावा भी चीज़ों के लिए यूज होती है। नैनीताल में तो ऑल टाइम क्रेज रहा है टैटू को लेकर। हम लोग इस इंडस्ट्री में 10 साल से हैं और हम देखते आ रहे हैं कि क्रेज मतलब बढ़ते जा रहा है, यंगस्टर्स में भी है और यंगस्टर्स से लाइक टीनेजर्स जो है वो भी होते हैं, बट हम उन्हें अलाउ नहीं करते क्योंकि अबव 18 ही टैटूज बनाने चाहिए आपको। 18 ईयर्स अगर आपकी एज नहीं है तो आप टैटूज मत बनाइए। क्रॉस रोड टैटूज है, हम लोग सब टाइप के टैटूज बनाते हैं, आपके पोर्ट्रेट बनाना है वो बन जाएगा, लाइन वर्क है, शेडिंग है, शेडिंग में विप शेडिंग, मेरा जो आर्ट स्टाइल है मैं विप शेडिंग यूज करता हूँ। यहाँ देख सकते हैं हर एक जगह पे शेडिंग का डिफरेंट यूज हुआ है। जैसे ये क्रॉसहेड शेडिंग है, इधर आपको लाइंस विजिबल होगी, हर एक लाइन आपकी शेडिंग में विजिबल है। इस पर हर आर्टिस्ट पे डिपेंड करता है। यूजुअली जो रेट्स हैं 1000 to 3000 स्टार्टिंग प्राइस रहता है बहुत सारे आर्टिस्ट होगा। हमारे स्टूडियो पे 1000 मिनिमम प्राइस है जो स्टार्टिंग है, और उसके बाद पर स्क्वायर इंच साइज बढ़ता है। टैटू बनाने से कैंसर नहीं होता है, वो लोगों लगता है कि अब जैसे बोलते हैं कि किसी के बॉडी में ऑलरेडी वो पिगमेंट्स होते हैं जो कैंसर डेवलप करते हैं फ्यूचर में, बट उन्होंने और टैटू बना रखे होते हैं, तो वो बस एक वो बताने का तरीका है कि आपने टैटू बनाया तो आपको इस वजह से कैंसर हुआ। बट स्किन डिजीजेस होती हो सकती हैं अगर आपने प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं लिया या आपने ऐसी नीडल यूज़ कर ली जो ऑलरेडी यूज है। अगर मैंने एक नीडल किसी पे यूज़ करी, इवन इंक कप्स भी अगर मैंने किसी का यूज़ करा, मैं थोड़ा सेविंग करने के लिए कि मैं एक्स्ट्रा इंक कप नहीं लूँ और उसी इंक पे दूसरे का बना दूँ, तो वो सावधानी हमने लेनी है। अगर उन चीज़ों को हम ध्यान नहीं रखेंगे तो उससे डिजीज होंगी, बट कैंसर का नहीं है ऐसा कि कैंसर होता है, क्योंकि लोग तो पूरा फुल बॉडी टैटू कराते हैं और उन्हें सालों तक कुछ नहीं, अपनी पूरी लाइफ जीते हैं। नैनीताल से तनुष पांडे की रिपोर्ट।